मिक्स वेज सब्जी। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ मिक्स वेज सर्विस। ठीक, ये पहले सबसे पहले आप इसमें सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल होने के बाद आप इसमें जीरा डालेंगे। आप इसमें जैसे ही आपको जीरा हो जाएगा उसके बाद आप मिर्च डाल देंगे। मिर्च को डालने के बाद मिर्च को पकाने के बाद आप इसमें प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद आप इसे धीमी आंच तक पकाने के बाद आप इसमें मटर का छिली हुई मटर हरी आप इसमें डालेंगे। मटर को डालने के बाद 2 मिनट तक आप इसे फ्राई करेंगे। आप इसमें शिमला मिर्च 1 या 2 डाल सकते हैं। शिमला मिर्च डालिए, शिमला मिर्च डालने के बाद आप इसको भी 2 मिनट तक भून लीजिए। शिमला मिर्च डालने के बाद 2 मिनट तक भून लीजिए। आप इसमें 1 या 2 टमाटर डालिए। बैंगन को मिला दीजिए। बैंगन को मिलाने के बाद कुछ देर मिक्स कर दीजिए। डाल लीजिए फूल गोभी का एक साथ डाल दीजिए। आलू और गोभी डालने के बाद आप इसे थोड़ी देर तक चलाइए। चलाने के बाद आप इसको चलाने के बाद आप इसको 2 से 3 मिनट तक ढक दीजिए। थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, धनिया पिसी हुई धनिया डालेंगे, पिसा हुआ जीरा डालेंगे, सब्जी मसाला डालेंगे। सब्जी मसाला और जीरा वगैरह को डालने के बाद आप इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं। मसाला डालने के बाद आप इसमें तुरंत नमक डाल दीजिए। नमक डालने से होगा कि सब्जी आपकी हल्का गल जाएगी। ठीक, आप 2 चम्मच आप अपने अनुसार स्वाद अनुसार आप अपना मसाला नमक सब कुछ डाल सकते हैं। डालने के बाद आप इसको कुछ देर तक चलाएंगे। चलाने के बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। चलाने के बाद आप इसको कुछ देर तक चलाएंगे। ज़्यादा पानी मत डालिए, थोड़ा सा डालिए। चलाने के बाद आप इसको 5 मिनट तक ढक दीजिए। 1 गिलास आप अपने अनुसार पानी डाल सकते हैं। पानी डालने के बाद आप इसको मिला देंगे। आप इसको ढक देंगे। ढकने के बाद आप 2 सीटी मारने के बाद आराम से खा सकते हैं। आपका स्वादिष्ट नॉन वेज सब्जी तैयार।